नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुरमे टाइम्स, मैं हूं अंकुर शुक्ल। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। यूरोपीय संघ ने भारत की G20 अध्यक्षता पर जताया भरोसा, कहा यहां से रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकलने की उम्मीद। 7 राज्यों के 70 से ज्यादा ठिकानों पर NIA की छापेमारी, गैंगस्टर क्राइम सिंडिकेट केस से जुड़ी है जांच। झारखंड सरकार के मंत्रालय समेत देश के 24 ठिकानों पर ED की छापेमारी, कल छत्तीसगढ़ में हुई थी रेड। गेहूं की फसल पर बढ़ती गर्मी के असर के आकलन के लिए केंद्र सरकार ने बनाई समिति, किसानों को सुझाएगी उपाय। मुस्लिमों में पैठ के लिए देशभर में संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा, PM करेंगे निगरानी। भारत का UPI आज सिंगापुर के पे नाउ से जुड़ेगा, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बनेंगे साक्षी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, 23 को चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है सामना। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट से चीन जापान में रेडिएशन का खतरा, 10 लाख लोग हो सकते हैं प्रभावित। तुर्की सीरिया में फिर महसूस किए गए 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, 3 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। हरे निशान पर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,850 के ऊपर। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमे टाइम्स के साथ, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।